अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू की सब्जी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, इस साइज़ के आलू थे और मैंने इस तरह काट लिए इनको बारीक बारीक। 1 प्याज, 2 टमाटर, टमाटर इसमें ज़्यादा रहते हैं, 3 हरी मिर्चें, हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। स्पाइसिस में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी, ये 1 टेबलस्पून है, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम किया है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी, प्याजों का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अब टमाटर भी इसमें फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, जीरा। अब मैं इन तमाम को मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। हमारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड नहीं करना है, इसका मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, मैं अब आलूओं को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, पानी में बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूंगी क्योंकि हम इनको दम में पकाएंगे। पानी बिल्कुल आप आधा कप ले लें, आधा कप के करीब बिल्कुल ठीक है। अब मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी, आँच बिल्कुल मैं दम वाली रखूँगी। अब मैं 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं इसको। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर दूँगी, आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, ग्रीन चिलीज, गरम मसाला और धनिया। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, अब बिल्कुल 5 मिनट के लिए हल्की आंच के लिए पकने के लिए रख दूँगी। यह हमारी आलू की सब्जी तैयार है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल कुक विद माहा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक्स।